आप जानते नहीं है दया को, अगर दया को पता चलता कि साड़ी का सेल लगा है तो जब तक सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक रोज वो खरीदी करना चाहती। अरे वो अंजलि बाबी की तरह समझदार नहीं है भाई। अंजलि समझदार? अंजलि समझदार? अरे समझदार नहीं, पहरेदार है वो। उसको मेरे सर पे बैठ के ताथा थैया करने में मजा आता है जेठालाल। जब तक आपका ये पेट अंदर नहीं जाता तब तक मैं कहूँ वही खाना आपको खाना पड़ेगा, समझे? अच्छा हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, अब मैं कहूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाएंगे आप? वो तो अभी मुझे भी पता नहीं है। की बात बराबर है परेश भाई, लेकिन मैं क्या है संतों से जुड़ रहा हूँ। भगवान ने एक दुकान गोडाउन दी है उसमें खुश हूँ। अरे ज्यादा ब्रांच खोल के क्या करना है परेश भाई है? तो दूसरा क्या, मैं ठहरा अकेला आदमी कहाँ कहाँ पहुंचू? और आप चाहे लाखों करोड़ों कमाओ, पेट तो दो रोटी खाते ही भर जाता है, तो फिर क्या फायदा इतनी भागा दौड़ी करके शांति से जीवन जीने का? ओके ओके चलो। वाह वाह भागा, वाह क्या बात है भागा, सेठ जी को भी बता। सेठ जी, मलाड मॉल में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शोरूम है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी चार गुना ज्यादा बड़ा। 10 तो आदमी है सेठ जी, और इतने कस्टमर्स आते हैं के दिन में 20-25 टीवी तो यूं बिक जाते हैं। और सेठ जी, मोबाइल तो सेव ममरा की तरह बिकते हैं। और भी है ना, बता सेठ जी को। सेठ जी, इतना टर्नओवर है कि मैंने पार्ला, अंधेरी और जू में शोरूम के लिए प्रॉपर्टी भी देख रखी है। चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स, बिहार से चर्चगेट और वीटी से कल्याण तक चारों ओर चाचा भतीजा फैल गए हैं। तो अभी चाचा भतीजा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं? भाई तू इतना बड़ा मालिक है तो मेरी छोटी सी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल रिपेयरिंग क्यों कर रहा है? नहीं सेठ जी, ये सब अभी है नहीं, लेकिन एक दिन ये सब जरूर होगा। होगा होगा, लेकिन अभी तो जो कुछ बोला उसमें ये होगा शब्द कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं भाई। दुकान है, मॉल में है, प्रॉपर्टी है, सब जगह है ही था। आई एक्सप्लेन यू, वो क्या है ना कि भागा ने कल एक किताब पढ़ी, सोचो बोलो पाओ। ये कौन सा पाओ है? वड़ा पाओ सुना, भजी पाओ सुना, मिसल पाओ सुना, ये सोचो बोलो पाओ कौन सा पाओ है? एक्सप्लेन जी। पाओ मतलब खाने वाला पाओ नहीं, सोचो बोलो पाओ, पाओ मतलब हासिल करो। सेठ जी, उस किताब में लिखा है, जिंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके बारे में पहले सोचो, फिर बोलो, बोलते रहो, थको मत, तो एक दिन आप वो सब जरूर पाओगे। तो सोचना हो गया, बोलना अभी चालू है, तो अभी बहुत जल्द पा भी लेंगे। तो तब तक मोरिका, मोरिका मोबाइल रिपेयरिंग करो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम तो चालू ही है सेठ जी, लेकिन क्या है ना, अभी हम दोनों को बहुत भूख लगी है तो भजिया खाने जा रहे हैं। आप खाएंगे सेठ जी? आपके लिए लेते हैं। ठीक है, ले आओ थोड़ा। चलो आगा। वाह, सोचो बोलो पाओ भजिया है, बढ़िया है। हेलो। नमस्कार, आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। मालूम है, आगे बोलो। बीच में मत बोलिए, पहले पूरी भविष्यवाणी सुन लीजिए। बोलिए।
बोले। सॉरी। आज आपकी किस्मत का तारा चुबक उठा है, क्योंकि आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है। लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी खरीदी नहीं है। फिर भी लॉटरी लगी है। आपकी धर्म पत्नी आज आपके लिए आपका मन पसंद खाना बनाएगी। अच्छा, लगता है आपकी भविष्यवाणी सच निकलेगी है महाराज, क्योंकि आज सुबह भी मेरी धर्म पत्नी ने मुझे मेरी पसंद का नाश्ता खिलाया। तो फिर अभी शाम को आपका मन पसंद खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। शाम को क्या क्या बनाने वाली है दया? अभी मुझे पहचान लिया। तो दया, फोन में तो सिर्फ सांस भी लगी ना, तो भी मैं तुझे पहचान लूंगा। क्या कर रही है? सिर्फ सांस ले रही हूँ, पहचाना मैं कौन हूँ? अरे लेकिन अभी तो मुझे पता ही है ना कि सामने तू है। अरे क्या, अभी मजाक भी नहीं समझते? अच्छा अच्छा, चलो मजाक बजाक छोड़, तू मुझे ये बता शाम को क्या क्या बनाने वाली है। नहीं, आज आप बोलिए, आपकी जो भी फरमाइश होगी ना मैं पूरी करूंगी। चल झूठे, हर बार तू ऐसा बोलती है, फिर बनाती वही है जो तूने तय किया होता है। नहीं नहीं पक्का, आज आप जो भी बोलेंगे ना मैं वही बनाऊंगी। आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है ना? अच्छा हाँ। तो सुन, देख, एक तो सेव टमाटर नो साग, कढ़ी बाजरा नो रोटलो, रिंगड़ा नो ओड़ो, और फरसाण में मेथी की भजी, और खांडवी, और मिष्ठान तुझे जो पसंद हो। गुलाब जामुन बनाओ। ओहो, गुलाब जामुन बना बना मेरे गुलाबो। तो शाम को जल्दी घर पे आ जाना। तू कहे तो अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी खाना कहाँ बना है? अरे मजाक कर रहा हूँ डोबी। हाँ, तो फिर आ जाइए। अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ, मजाक मजाक फिर दोस्त। अच्छा। अरे सुन, बात तो बता, ये आज अचानक स्पेशल मेहरबानी किस खुशी में? पेपरमिंट है? मुझे पेपरमिंट चाहिए। पेपरमिंट चाहिए तो अब्दुल की दुकान से ले ले। हाय दया, ये क्या बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? अरे पेपरमिंट, अपने वाला पेपरमिंट। अरे पप्पी पप्पी, गाल गाल पे पप्पी। अरे बाप रे, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, वो पेपरमिंट तो मैं ही दूंगा। हाँ, और वो भी एक नहीं, ढेर सारे पेपरमिंट। सर जी, मुझे भी एक पेपरमिंट। मेरे लिए दो। अरे फोन रख, इधर नट्टू काका और बागा भी मुझसे पेपरमिंट मांग रहे हैं। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म भजिया। नहीं भाई नहीं, अभी भजिया भजिया कुछ नहीं खाना है। अभी दया से बात हुई तो आज शाम को मेरे लिए घर पे मेरी पसंद का खाना बनाने वाली है। तो क्या, अभी से जरा पेट खाली रखता हूँ, तो शाम को घर पे जाकर खाना खाने का मजा आएगा। ये आप लोग खाओ। सेठ जी, जो एक बार खाने को हाँ बोल के ना करता है ना, उसको दिन भर खाना नहीं मिलता है। ये खाने की चीज है ना, तो वो खाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जाओ खाओ, पाओ पाओ के साथ खाओ। बागा ले ले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि टप्पू के पापा को मजा आ जाएगा। चलो, बैंगन है तो ओड़ा की सब्जी हो जाएगी, टमाटर है तो सेव टमाटर नू साग थई जैसे, धनिया है, मिर्ची फ्रिज में है, चटनी हो जाएगी। चटनी में पुदीना डालूंगी तो टप्पू के पापा को और चटका हो जाएगा। पुदीना, पुदीना है फ्रिज में, देखते हैं।
करूं? पुदीना तो नहीं है। टप्पू के पापा को मैंने मेथी का भजिया खिलाने का वादा किया था, अब चटनी में पुदीना नहीं होगा तो उनको मजा कैसे आएगा? क्या करूं? हाँ, अंजलि भाभी की आज जाती हूँ। बराबर, बैठो, आप लोग आती हूँ। अंजलि भाभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मजे में। अंजलि भाभी, मुझे पुदीना की चटनी बनानी है, तो आपके पास पुदीना है? हाँ है ना, अभी लाए। हाँ। ओ, खाना तो चटकेदार लग रहा है दिखने में, रंग बिरंगी खाना। ये लो दया भाभी। अंजलि भाभी, ये क्या? मेहता साहब को चटकेदार खाना खिलाने का प्लान है? नो वेज, नो चटकेदार खाना। आपको पता है दया भाभी, तारक का वजन 2 किलो बढ़ गया है, अब से उनको सिर्फ सूप और डाइट खिचड़ी मिलेगी। हमारे घर उल्टा है। आज मैं टप्पू के पापा को चटकेदार खाना खिलाने वाली हूँ। वो उंगलियाँ चाटते रह जाए ना, वैसा खाना। दया भाभी, आपको जेठा भाई का वजन बढ़ जाने का डर नहीं लगता? नहीं। क्या है? मेरी माँ कहती है कि पति के दिल तक जाने का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। अरे पर ये तो अंग्रेजी कहावत है ना, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। हाँ, लेकिन माँ सब जानती है ना, माँ तो माँ है। दया भाभी। हाँ अंजलि भाभी, मैं सच कहूँ, पति को खिला पिला कर खुश खुशहाल रखना चाहिए। नहीं दया भाभी, मैं मानती हूँ कि एक बार पति के दिल तक ना पहुँच पाए तो चलेगा, पर अपने पति देव की सेहत खराब हो ऐसा कोई भी काम हम पत्नियों को नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दया भाभी, आप भी जेठा भाई की सेहत का ध्यान रखिए। अरे अंजलि भाभी, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए है ना। कौन? अरे चूरन। चूरन? 2 चम्मच चूरन, स्वस्थ स्वस्थ। मेरी बात मानिए दया भाभी, आप भी जेठा भाई को थोड़ा थोड़ा उबला हुआ खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। उबला हुआ खाना? ना बाबा ना, टप्पू के पापा उबला हुआ खाना छूते भी नहीं है, अरे देखते भी नहीं है। अरे आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा को तो पापड़ भी सादा नहीं, मसाले वाला चाहिए। बोलो। बाप रे। दया भाभी, हमें समझना चाहिए, पहले जैसा वातावरण अब नहीं रहा। इतनी बीमारियां हैं, पोल्यूशन कितना है, आज के जमाने में तेल घी मसाले कहाँ पचते हैं। हाँ, लेकिन मैंने टप्पू के पापा को आज चटकेदार खाना खिलाने का वादा कर दिया है, तो अगली बार देखूंगी। चलो मैं जाती हूँ, अभी खाना बनाना है। हाँ, थैंक यू, बाय। वादा तो मैंने भी तारक को किया है कि उनका 2 किलो वजन घटा कर रहूंगी। रिक्शा भी नहीं है, सुबह से कुछ खाने को मिला नहीं है, भूख लग रही है। घर पे जाऊंगा तो अंजलि की वही रोक टोक, क्या करूं? एक्सक्यूज मी, बैठे बैठे भाई साहब। ठीक है, थैंक यू। क्या दिखाऊं? ड्रेस मटेरियल दिखाइए प्लीज। किसके लिए? वाइफ के लिए। किसकी? मेरी और किसकी? सफेद कलर चलेगा। अरे भाई साहब, किसी की शोक सभा में नहीं जाना है। वाइफ का जन्मदिन है? नहीं। अच्छा, तो शादी की सालगिरह है? अरे नहीं भाई। तो अच्छा, किसी की शादी में जाना होगा? अरे नहीं भैया, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे? मुझे मेरी वाइफ के लिए ड्रेस चाहिए ताकि अच्छा खाना खाने को मिल सके। अच्छा खाना खाने के लिए ड्रेस खरीद रहे हैं? अरे दिखा देते हैं। दिखाइए। लीजिए, देखिए देखिए, बहुत से कलर है। जी जी, बढ़िया बढ़िया कलर है, ले जाइए, वाइफ खुश हो जाएगी। जी जी। हाँ देखिए देखिए, आप मेरी बात क्यों नहीं है, ड्रेस खरीदने के बजाय किसी अच्छे होटल में जाइए, सस्ता पड़ेगा। क्या भाई साहब, आप बिना मांगे क्यों सलाह दे रहे हैं? अरे पत्नियां क्या होती है पता है आपको? शादी हो गई आपकी? 2 हो गई, 3 की तैयारी है, वही खाने की प्रॉब्लम। अरे नहीं भाई, मेरा पंगा इतना बड़ा नहीं है। पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में डिवोर्स।
यार भाई साहब आप कमाल के आदमी, यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं लोगों को डराने के लिए, आप अपने धंधे पे ध्यान दो ना यार। ये वाली ड्रेस कितने की है? अच्छा खाना खाना है ना, ऐसे मत पूछिए, ले जाइए, बीबी खुश हो जाएगी। आप इसे पैक कर दीजिए प्लीज। जी जी। डिवोर्स। आज अंजलि ड्रेस देख के खुश हो जाएगी। क्या बात है मिस्टर तारक मेहता, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे अंजलि मैं तो हमेशा ही तुमसे रोमांस के मूड में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जोर से बोल देता हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। आज भी नाराज होकर चला गया तो पूरे दिन मन नहीं लगा ऑफिस में। वही तो तारक, अब आप समझे ना कि मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके अच्छे के लिए करती हूँ ना। देखो ना तारक, पेट कितना बढ़ गया है, शर्ट के बटन टूट ही रहे हैं। अपने पेट की नहीं तो शर्ट की तो सोचो। अरे शर्ट के लिए पेट को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, हम एक काम करेंगे, हम शर्ट का एक साइज बढ़ा ले लेंगे, सिंपल। तारक अच्छा अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुनो, शर्ट की साइज छोड़ो, ये बताओ ये तुम्हारे साइज का है या नहीं। वाओ सो प्रिटी, मेरे लिए? अरे भाई मैं पहनूंगा तो बहुत खराब दिखूंगा, तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए। सो प्रिटी तारक। कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप जो लाए हो। तुम्हारी यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे जो भी चीज पसंद आती है वो तुम्हें पसंद आती ही है। Whatever I like, you like. मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। आप जो मुझे इतने पसंद हो। अच्छा छोड़िए, तारीफ बहुत हो गई, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। सुनो अंजलि, एक काम क्यों नहीं करती, आज तुम कुछ मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती हो? तुम भी खा के देखो, बड़ा मजा आएगा। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। अब समझी, अपनी पसंद का खाना मिले इसलिए ये सारी रिश्वत दी जा रही है। नहीं नहीं अंजलि, क्या बात कर रही हो तुम, रिश्वत जैसा भ्रष्टाचार मैं करूंगा, सारे देश में आंदोलन हो रहे हैं, मेरे प्यार को रिश्वत का नाम मत दो। बताओ ना क्या खिला रही हो, बताओ ना। बताओ। हाँ। मेथी का सूप और ब्राउन राइस की खिचड़ी। क्या अंजलि यार, मेथी का सूप, शाम को घर में आओ तो मेथी का सूप, घर से सुबह जाओ तो पालक का सूप, हद है यार। अंजलि कुछ खाने को मिलता नहीं है दिन भर ऑफिस में, भी परेशान रहता हूँ, काम करता हूँ, और घर पे लौटने के बाद भी ये सब कुछ, क्या परेशानी है अंजलि, मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकता। तारक अच्छा सुनो, तुम्हारा ये मेथी का सूप मैं कल जरूर पी लूंगा, खिचड़ी भी खा लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पसंद का कुछ बना दो ना मसालेदार प्लीज। आई एम सॉरी तारक, आपको वही खाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है बस। ठीक है तो फिर मैं खाना ही नहीं खा रहा आज। तारक छोटी छोटी बात पे क्यों झगड़ा करते हैं आप, आप समझते क्यों नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी सेहत के लिए कर रही हूँ ना। अच्छा एक ग्लास डाइट पानी पिलाओ प्लीज। हाँ है? अरे पानी पिलाओ भाई, प्यास लग रही है। सेहत सेहत सेहत, क्या करूं, भूख भी लग रही है। जेठालाल को बनाता हूँ आज मेरा फायर ब्रिगेड, वो खिलाएगा मुझे खाना। अच्छा अंजलि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अंजलि मुझे बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है तो मैं पेन में रिफिल नहीं है, रिफिल डलवा के आता हूँ। पेन कहाँ है? पेन की क्या जरूरत है, पेन में रिफिल ही तो डलवानी है, लाके डाल दूंगा। बहाने मत बनाइए तारक, खूब पता है मुझे कि बाहर जाके कुछ खाना खाएंगे आप। शक शक और शक। एक मिनट, ये लो मेरा वॉलेट, रखो अपने पास, मुफ्त में मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा। ओके मुफ्त में कोई रिफिल भी नहीं देगा। ओके करेक्ट, 10 रुपए लाओ मैं रिफिल ले लूंगा। 5 रुपए रिफिल आ जाएगी। कहते हैं कि दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी की वजह से होगा, यानी पानी भी युद्ध का एक कारण है, लेकिन खाने की वजह से युद्ध सुना है कभी? गोकुल धाम में लगता है कि खाने की वजह से युद्ध होने वाला है पति पत्नी के बीच में। अगर अंजलि को यह पता चल गया कि मैं छुप के जेठालाल के घर मसालेदार स्वादिष्ट चटपटा खाना खाने के लिए चल पड़ा हूं,
भाई क्या करूं आखिर, जब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो आदमी बागी हो ही जाता है, और इस लेखक के साथ यही हुआ है। रोज रोज डाइट फूड खा के आखिर क्या करता है लेखक? उसने वही कदम उठाया जो शायद उसका दिल कर रहा था। दुनिया भर की पत्नियों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपने पति पर इतने बंधन मत डालिए कि वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाए। वैसे ये सलाह पतियों के लिए भी है। एक खास बात और, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हूं जेठालाल का फायर ब्रिगेड। जब भी उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है मैं फायर ब्रिगेड बन के उनकी मुसीबत की आग को बुझा देता हूं। लेकिन इस वक्त मेरे पेट में जो भूख की आग लगी हुई है वो कैसे बुझेगी, जिसके लिए मैं निकल पड़ा हूं जेठालाल के घर दया भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए। क्या वो मसालेदार चटपटा स्वादिष्ट खाना मुझे वहां मिलेगा, या फिर कहानी कोई और मसालेदार ट्विस्ट लेगी? एक बात आपको अच्छी तरह पता है, तारक मेहता में हर ट्विस्ट के साथ होता है हास्य का तड़का, इतनी हंसी कि आप कहते हैं भाई मजा आ गया। तो ऐसा ही मजा आने वाला है, बस ये देखिए कि क्या होगा, मिलेगा खाना या होगी कोई और बात जो हंसाएगी आपको। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।